प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राणा जुल्फकार अली खान जो कि पंजाब बार कौंसल के उम्मीदवार हैं और लाहौर सीट से इलेक्शन विन कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के बारे में और इनकी कंपेन के बारे में। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सर कंपेन कैसी जा रही है? कंपेन चल रही है हमारी, ऑल दो चार ज़िलों से फिर आगे उनकी तहसीलें जो हैं वहाँ पर हमें जाना पड़ता है और उस सिलसिले में ये एक बड़ी टफ जॉब है जिसको हम कर रहे हैं, एक मिशन समझ के कर रहे हैं हम। सर इलेक्शन आप विन करते हैं, वकला के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? देखिए इसमें बुनियादी तौर पर आपको पंजाब बार काउंसिल का जो बुनियादी फ़राइज़ हैं वो समझने पड़ेंगे हमें। पंजाब बार एक तरह की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जिसने बार एसोसिएशंस को भी, उनकी भी वो सुपरवाइजरी नेचर है, उनको भी कंट्रोल करना होता है, नए वकला को लाइसेंसेस जारी करने होते हैं और अगर वकला के ख़िलाफ़ कोई शिकायत होती हैं तो उन शिकायत के ऊपर भी काम करना होता है, उनको देखना होता है ये सही है गलत है। तो ये बुनियादी उनके हैं। अब बुनियादी तौर पर पंजाब बार काउंसिल वकला का एक कह लें पेरेंटल इदारा है जिसने वकला की वेलफेयर को मलहूज़े खातिर रखना है, उसके लिए उन्होंने अपने काम करने हैं, कोई पॉलिसीज़ मुरतब करनी है, अगर कानून में कोई तरामीम जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं तो पंजाब बार काउंसिल के ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो हुकूमत को वो अपनी सजेशंस भेजेंगे, रेफरेंस भेजेंगे कि कानून के अंदर ये तब्दीली चाहिए हमें ये कर दें। तो ये एक चीज़। अब मैंने जिस चीज़ के ऊपर जो मैं चाहता हूँ कि काम हो, पहले नंबर पर तो ये कि नौजवान वकला जो हैं वो जब वकालत करके 17 साल की तालीम हासिल करके जब वो आते हैं तो उनका कोई ज़रिया मुआश नहीं होता, वो बिल्कुल एक तरह से कह लें कि रॉ हैंडेड होते हैं। वेयर एज़ दूसरे इदारों में आप देखें, डॉक्टर्स की एग्जांपल लेते हैं, जब वो भी रॉ हैंडेड होते हैं एमबीबीएस करते हैं तो हाउस जॉब के दौरान उनको पैसे दिए जाते हैं, वेयर एज़ वकला को कुछ नहीं दिया जाता। इसके लिए एक तजवीज़ जो है 99 से मेरे ही उस्ताद मोहतरम साबिक जस्टिस साबिक प्रोसिक्यूटर वो 99 में मेंबर पंजाब बार काउंसिल बने सैयद जाहिद हुसैन बुखारी साहब, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दी कि जो भी टैक्स पे ही लॉयर्स हैं वो हर साल जो टैक्स देते हैं वो टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पंजाब बार काउंसिल को दिया जाए और पंजाब बार काउंसिल जो यंग वकला को जो है वो महाना उसमें से पैसे दें, तनख्वाह के तौर पे कह लें, मुशायरा कह लें, कुछ भी कह लें, वो दें वकला को ताकि वकला का एक कम अज़ कम एटलीस्ट नौजवानों का जो है वो जेब खर्च चले, उनका जो आने जाने के अखराजात हैं वो पूरे हों। तो एक तो पहले नंबर पे मेरी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि वो जो 99 से 21 साल पुरानी जो तजवीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास उसके ऊपर काम किया जाए और वो गवर्नमेंट से बाकायदा हम ये मुतालबा करते हैं कि वो पैसा जो लॉयर्स कम्यूनिटी ही अपना टैक्स पे कर रही है, ठीक है, वो पैसा पंजाब बार काउंसिल को दें और पंजाब बार काउंसिल जो है जो भी वकला नए एनरोल होने वाले हैं उनको वो पैसा अदा किया जाए ताकि उनके प्रॉपर काम करने में उनका दिल लगे और वो पूरी दिल जमी के साथ काम करें। दूसरे नंबर पे रीसेंट पास्ट में इंडिया में एक कानून साजी हुई वकला के बारे में और ये तजवीज़ हमारी पहले थी, जो हमारी पहले रजीम्स जो गुज़री 99 वाली 2004 वाली 2009 वाले उन लोगों ने ये तजवीज़ दी कि जो ज़ईफ़ुल उम्र हो जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से वकालत करने के काबिल नहीं रहते उन वकला को बाकायदा हम पेंशन दें, ठीक है जी। अब वो जो पेंशन है अभी हमारी वो गवर्नमेंटें सोई हुई हैं, आप देखें नून लीग की हुकूमत आई उससे पहले एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट रही 99 से ऑनवर्ड, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन हुकूमतों ने अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने भी अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे कि कल को
अगर अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है, हम इलेक्ट होके जाते हैं, तो जिस तरह इंडिया ने लेजिस्लेशन कर ली उसके ऊपर कि ज़ईफ़ुल उमर वुकला को पेंशन दी जाए, हम भी इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि जब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती तो वो उस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, वो पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए वो गवर्नमेंट होती है। तो उनसे हम मुतालबा करेंगे कि जनाब ये भी एक कानून साजी की जाए और बाकायदा वकला को उनकी रिटायरमेंट के ऊपर, जब वो उस एज में पहुंचते हैं काम करने के काबिल नहीं रहते, तो उनको महाना पेंशन दी जाए। सर, जो स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन के बाद वकला का पेशा इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए जो आने का एक प्रोसीजर है, बहुत से जो नौजवान उन्हें नहीं पता, उन्हें भी ज़रा गाइड कर दें आप। जी मैं बिल्कुल, एक तो इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि पंजाब बार काउंसिल तमाम लॉ कॉलेजेस की सुपरवाइजरी बॉडी है, उसको इसने देखना है, सुपरवाइज़ करना है कि कॉलेजेस में क्या तालीम प्रॉपर दी जा रही है स्टूडेंट्स को कि नहीं दी जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर बच्चे जो नए आते हैं, मैं एक ही बात इस ज़िमन में करूंगा कि मेहनत मेहनत और मेहनत, आप जितना इसमें मेहनत करेंगे, जितनी किताबों के साथ दोस्ती लगाएंगे, आप जितने अपने सीनियर्स को उबे करेंगे, उनसे काम सीखेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस वकालत के मैदान में अरूज पर जाएंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मैंने पहले 5-6 साल जो है वो बिल्कुल पैदल गुजारे, मेरे पास ना बाइक होती थी ना गाड़ी थी, मैं बिल्कुल बसों के ऊपर, वैगनों के ऊपर मैं ट्रेवल करता था, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोफेशन ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ दिया। तो एक चीज़ मैं बच्चों से कहूँगा कि टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी, रश आपको नीचे नीचे नज़र आएगा, ऊपर रश नहीं है, तो मेहनत के बलबूते पे अपना जाएं और ऊपर जाएं, और इसी की बुनियाद के ऊपर आप अपना एक नाम, एक मुकाम पैदा कर सकते हैं। सर, सियासी बात अगर की जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी ये वकला को अपनी तरफ बड़ा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वकला जो है ना, ये अपनी एक सोच रखते हैं और वकला की सोच है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। जहाँ पर भी रूल ऑफ लॉ की बात होगी तब काले कोट वाले सारे जो हैं वो एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे हैं। वो आपने देखा 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने गैर आइनी तौर पे जुडिशी के ऊपर शब खून मारा तो तमाम वकला ने एजिटेशन किया। इसी तरह जब भी कोई गवर्नमेंट कोई गैर आइनी इकदाम करती है, वकला सबसे पहले, ये ऐसी कम्यूनिटी है कि जो खड़ी हो जाती है। ये एजिटेशन करना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, या माजी में पीटीआई करती रही, या नून लीग का, ये उनका एक आइनी एक कानूनी राइट है कि वो आयन के दायरे के अंदर रहते हुए वो करें, ये उनका राइट है। और बुनियादी तौर पे तमाम पार्टियों का जो मतमा नज़र है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की अवाम है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं, वो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए खुदारा को बेहतरी लाने के लिए किसी एक नुक्ता पर मुत्तफिक हो जाएं। जब तमाम पार्टियों का मंशूर आप देखें, सबका यही है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और उसके बाद अवाम, अवाम को सर्व करना बुनियादी तौर पे इनको चाहिए, और वो कर रहे हैं अपने तौर पे, जैसे भी है, पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने भी किया, पीटीआई भी कोशिशें कर रही है। तो इसी तरह उम्मीद है कि ये सारे सियासतदान जो हैं, मेरी उनसे गुजारिश भी है और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए, इसकी अवाम के लिए बेहतरी सोचेंगे इंशाल्लाह। जनाब कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए दो जुमले। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ अ ग्रेट लीडर, वॉज़ अ ग्रेट लॉयर, और कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स थे कि जिन्होंने तारीख की धारा को चेंज कर दिया, और हिस्ट्री में दो दफ़ा हिजरत हुई, एक मक्का से मदीना की तरफ और दूसरी जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की, तो ये कायद अजम वो है जिन्होंने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करवाया। सर, आखिरी सवाल, अपने वोटर सपोर्टर चाहने वालों को कोई पैगाम?
मैं अपने वोटर सपोर्टर से सिर्फ एक ही दस्तबस्ता इल्तजा करूंगा कि खुदारा प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें और प्रोफेशनल लोगों को आगे लेके आएं जो कानून को समझते हों, जो आपकी मसाइल को समझते हों और जो आपके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हों। खुदारा उनको आगे लेकर आइए और खसूसन ऐसे लोगों को कि जिनका ओढ़ना बिछोना ही वकालत है, जिनका और कोई ज़रिया मुआश नहीं है। आपके तवसत से मैं ये कहता चलूं कि बहुत से लोग ऐसे इस प्रोफेशन में आगे हुए हैं जिनका सिलसिला रोज़गार तो कुछ और है लेकिन लाइसेंस लेके इधर भी आके वो सियासत में हिस्सा लेते हैं। खुदारा उनकी पहचान कीजिए और अपने इस प्रोफेशन को, इस काले कोट की डिग्निटी को पहचानिए। जी, आपने सुनी राणा जुल्फकार अली खान साहब की गुफ्तगु। इनका यही कहना था कि वोट उसी को दें जो आपको काम करता हुआ नज़र आए और आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के पास। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available, 25 years of trust, address 29 Main Hall Road, Lahore, phone 042-372-4485. Commerce and Technical Books ke bani Azim Group of Publications 1988 se qaim shuda, Pakistan aur duniya ke mukhtalif mamalik mein Azim Group ki kitabe textbook ke taur par padhai jati hain. Urdu Bazaar, Lahore, phone number 924237-2314.